हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी जैसे आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट ट्रेंड के हिसाब से कल आ जाना चाहिए, तो जैसे कि अभी काफ़ी लोगों ने वीडियो डाला है आरटीआई का, तो ये पता चला है कि काफ़ी बैंक्स जो है अपना जो वैकेंसीज है जो नहीं दिए थे ड्यू टू आरबीआई के वजह से, जो उनका एसेट क्वालिटी की वजह से और एनपीए की वजह से, तो वो बैंक्स अपना कुछ वैकेंसीज रिलीज कर रहे हैं। हालांकि ये न्यूज़ 2 महीने पहले मुझे पता था, क्योंकि जिस बंदे से पता चला था तो उसने बोला था कि ये लीक नहीं करने के लिए, बट मैंने अपने जो कैलकुलेशन में उसका 50% कंसिडरेशन में लिया था मैटर को। तो जैसे और एक चीज़ है, ये तो आरटीआई से कुछ चीज़ें पता चले हैं कि कुछ बैंक्स, जैसे खास करके खुश होने वाली बात है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र के लिए ही वैकेंसीज कुछ लाया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे जैसे 772 वैकेंसीज था, तो ये लगभग मोर देन 1000 हो जाएगा। उसके बाद पीएनबी लाया है जो ऑल ओवर द बाकी स्टेट्स के लिए भी लाया है, और जो बैंक्स है जो एनआर और एनिल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए थे, वो सब भी वैकेंसीज अभी आएगा धीरे धीरे, ये सारे बैंक्स का आ जाएगा। और एक चीज़ आप ये मान के चलिए, क्योंकि एसबीआई का अभी क्लर्क का जो फिलअप हुआ है, तो उस दौरान जो लोगों ने ज्वाइन किया होगा आईबीपीएस में, 2017 आईबीपीएस में जो लोग ज्वाइन किया होगा, उसका पूरा चांस है कि वो लोग एसबीआई में स्विच किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एसबीआई में स्विच करना चाहते हैं, तो एसबीआई का रिजल्ट निकलने के बाद वो स्विच भी किए होंगे। तो ये मान के चलिए जो लोगों का वैकेंसी निकला है, जैसे बाकी बैंक्स का, खास करके यहाँ से देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बैंक्स का पहले से वैकेंसी दिया है, तो उन बैंक्स में भी वैकेंसी इंक्रीज होगा, इसका क्लियर चांस है। कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इसका क्लियर चांस है, क्योंकि उस बैंक्स में से जो लोगों का पहले हो गया होगा 2017 में, वो लोग एसबीआई में स्विच किए होंगे, क्योंकि वो लोग एसबीआई का एग्जाम दिए होंगे। तो ये चांसेस है कि ये जो 7200 के अराउंड वैकेंसीज निकला था, ये 2-3 हजार तक मिनिमम इंक्रीज होना है, मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ये खुश होने वाली बात है। तो और जैसे लगभग 20% जितने एग्जाम्स के लिए बुलाए थे आईबीपीएस ने, 100 में से 5 गुना बुलाए थे, तो अभी मान के चलिए कि लगभग 100 में से 30 लोगों को लेने वाला है, ऑलमोस्ट 100 में से 20 के जगह पे 30 लोगों को लेने वाला है। तो अभी जैसे दोबारा से हम चेक कर लेते हैं हमारा क्या रहेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ये बहुत लोगों ने आपने देखा होगा जी, पिछले पिछला एनालिसिस है एसबीआई आईबीपीएस का 17, आईबीपीएस का कट ऑफ 2017, इसको लेते हुए मैंने स्टेट वाइज कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था। तो ये मान के चलिए अभी जो कट ऑफ है जो मैंने दिया था, उससे 1-2 मार्क नीचे ही आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने आपका, आगे चलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं अनरिजर्व में मैंने 47 दिया था, ये एक्सपेक्टेड कटअप इस साल के लिए मैंने दिया है, ये बोल्ड में, तो 47 दिया था, ये 1-2 मार्क नीचे ही आएगा ये मान के चलिए, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स का खास करके आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का जैसे अनरिजर्व का मैंने दिया था 52, क्योंकि वैकेंसीज ड्रास्टिकली डाउन हुआ था, तो ये 167 वैकेंसीज था, तो ये भी और नीचे आएगा, 1-2 मार्क और नीचे आएगा, एटलीस्ट 2 मार्क तक तो नीचे आएगा ही आएगा। तो उसके बाद बिहार, बिहार में जैसे अनरिजर्व का 51 था, ये भी नीचे आएगा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का 58 था, इसमें ज़्यादा चेंजेस का चांसेस कम है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही कम है, 37, फिर भी चांसेस है कि थोड़ा नीचे तो आना ही चाहिए और वैकेंसीज थोड़ा इंक्रीज भी होना चाहिए। और ये दिल्ली का, दिल्ली का 50 से नीचे 100% आएगा, क्योंकि एसबीआई में बहुत लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है, तो ये सबको देखते हुए तो आप मान के चलिए कि एसबीआई का देखिए 104 था, ठीक है, एसबीआई का कटअप जो था अनरिजर्व में 104 था, तो उस हिसाब से ये भी 50
क्योंकि इंक्रीज होगा वैकेंसीज, तो ये नीचे आना है 100%। दिल्ली का तो पक्का नीचे आना है। गुजरात का पहले ही मैंने 42 दिया है, क्योंकि वैकेंसीज आईबीपीएस में ये 533 है। और दूसरा चीज है, एसबीआई में कटअप भी आप देख सकते हैं 85 था, ठीक है। तो ये भी चांसेस है और नीचे जाने का, गुजरात के केस में तो और नीचे जाने का चांसेस है। हरियाणा अगेन आप देख सकते हैं। और इस जो मेरा एनालिसिस को देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियोस में जा सकते हैं पूरा एनालिसिस को। और अभी मैं खास करके कर्नाटका में भी एक्सपेक्टेड काफी कम है, कट ऑफ 80 के आसपास ही रहेगा, नीचे भी जा सकता है। और केरला में जो है वैकेंसीज और इंक्रीज हो सकता है, तो केरला में 50 यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये अराउंड 90 ही रहेगा, 90 के आसपास ही रहेगा। और ये महाराष्ट्र का केस हम थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, ये एसबीआई का कट ऑफ कितना था, एसबीआई का कट ऑफ था 85, ठीक है, 85.65 था एसबीआई का कट ऑफ, और वैकेंसीज था 730। अभी तो 172 पहले और उसके बाद 1000 के ऊपर जा रहा है, तो अभी कट ऑफ ये मुझे लग रहा है ये अराउंड 80 से एक मार्क नीचे भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र वाले मिठाई खरीद लो अभी से, तो ये पक्का 80 और 80 से एक मार्क नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। और उड़ीसा का जैसे मैंने पहले ही बताया था, एसओ एग्जाम के कारण यहाँ पे 30% लोग कम आए थे एग्जाम देने, तो यहाँ कंपटीशन 70 से है, यानी कि 70% लोगों ने एग्जाम दिया था, यानी कि एक सीट के पीछे 3.5 या 4 लोगों ने एग्जाम दिया था मान के चलिए। तो यहाँ भी इंक्रीज होना है, तो यहाँ भी लगभग 90 के अराउंड, यहाँ जैसे मान लीजिए 46 है, तो मैंने बताया था 92, या 90 के अराउंड ही कट ऑफ रहेगा। और जैसे मेरा प्रेडिक्शन है कि सारे बैंक्स अपना कुछ इंक्रीज करने वाले हैं, तो मैं क्वाइट श्योर हूँ कि इसमें भी कट ऑफ अराउंड 90 या सेम 80s के आसपास के, 88 89 के आसपास रहेगा। क्योंकि उड़ीसा का एक चीज है कि एक तो एसओ एग्जाम, दूसरा चीज है कि ये इंक्रीज होने के कारण, और एसबीआई में जो क्रीम थे तो एसबीआई में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे, वो एसबीआई का जो सारा उनका प्रोसीजर खत्म हो गया होगा, तो इसीलिए चांसेस क्वाइट ब्राइट है कि यहाँ पे भी कट ऑफ काफी नीचे जाने वाला है। उसके बाद पंजाब, पंजाब में भी लगभग वैसे ही रहेगा अराउंड, आप मान के चलिए 92 93 अराउंड ऐसे ही रहने वाला है। तो उसके बाद आपका राजस्थान, राजस्थान में आप मान के चलिए कि जो सीट है, हाँ ये मान के चलिए ये भी अराउंड 90 ही रहेगा, 90 से ऊपर नहीं जाएगा, ये 90 91 92 अराउंड, मतलब 90 से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, एक दो मार्क के अंदर फर्क रहेगा। तमिलनाडु बहुत ही बड़ा वैकेंसी यहाँ भी निकलता है, तो 792 का वैकेंसी है। तो एज अ कंपैरिजन टू एसबीआई, इसमें सिर्फ 346 था, और इतना हार्ड क्वेश्चन होने के बावजूद भी 93.75 था। तो ये मान के चलिए तमिलनाडु में आपका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने वाला है, 85 अराउंड जाने वाला है। नया वैकेंसी अगर आ गया तो 85 के अराउंड ही रहने वाला है, उससे ऊपर नहीं। और तेलंगाना में एज यूजुअल थोड़ा सा कम ही रहता है तेलंगाना का कट ऑफ, तो यहाँ पे आप 162 वैकेंसी है, तो यहाँ भी अराउंड 90 से नीचे ही रहेगा, नो डाउट। और वेस्ट बंगाल अगेन, तो यहाँ एसबीआई के तुलना में कम वैकेंसी है, 2/3 वैकेंसी है। एसबीआई में कट ऑफ 95 था, क्वेश्चन लेवल एसबीआई और आईबीपीएस का लगभग पैरेलल था, लेवल क्वेश्चन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, पैरेलल था। तो यहाँ पे अराउंड वही
100 से नीचे ही रहेगा। मैंने 100 दिया है, बट क्योंकि अभी जो वैकेंसी और बढ़ रहा है तो मान के चलिए 95 से 100 के बीच में अनरिजर्व कराएगा, उसी हिसाब से 1-2 मार्क सभी का डाउन होगा, ओबीसी वगैरह का भी। सो थैंक यू, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।